नमस्कार, मैं हूँ सान्या राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने डीएनए पर बयान दिया है। चलिए आपको सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सर, डीएनए पे जो सवाल आया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, रेवंत रेड्डी ने ये बोल दिया है कि बिहार का डीएनए खराब है बिहार के लोगों का, इस पे मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है, ना ही कोई बयान दिया है। लेकिन पहले ही प्रधानमंत्री ने बोला था, नरेंद्र मोदी ने जब बोला था कि बिहार के लोगों का डीएनए खराब है, तब मुख्यमंत्री ने यहाँ से भेज दिया था नाखून और अपने बाल कि नहीं चेक करके बता दीजिए कि डीएनए कैसे खराब है, और अभी चुप है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? इस बार भी उन्हीं के डीएनए पे सवाल उठा है, क्योंकि उन्हीं के जाति पर हमला है और लवकुश समाज इसका पूर्ण रूप से विरोध भी करती है कि इस तरह का कांग्रेस की मानसिकता बिहार के खिलाफ ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और सर, अमित शाह कल आए थे, तो क्या उनका इस बार जो है, क्या पूरी जनता का वोट अपनी तरफ करके ही जाएंगे? जनता का वोट ही है। 2019 में आपने देखा 40 में 39 जीते हैं, इस बार भी जनता का आशीर्वाद 40 की 40 सीट रहेगी। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता।